अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी ओरिजिनल अवेलेबिलिटी पे किस तरह जाते हैं, ठीक है, और साथ सीखेंगे डिपार्चर टाइम के साथ अवेलेबिलिटी किस तरह लेंगे और अराइवल टाइम के साथ हम किस तरह अवेलेबिलिटी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक अवेलेबिलिटी हूँ 1 अगस्त धो से दुबई चेंज की ईके, ठीक है, ये 25 अगस्त को ली है, ठीक है। हम चाहते हैं इसमें ना इसकी ईके की बजाय ना पीके वाली अवेलेबिलिटी आ जाए कि जो डायरेक्ट जा रही है ना, इसमें कैरियर चेंज करेंगे हम अपना, यानी कि एरोप्लेन चेंज करके देखेंगे, ठीक है। 1 लाहौर से दुबई 25 अगस्त को जा रही है, हमें वो अवेलेबिलिटी दिखाओ जो कि पीए के साथ जा रही है, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम दोबारा एमएक्स वाली अवेलेबिलिटी पे आना चाहते हैं इधर से, ठीक है। हम क्या करें, ओरिजिनल अवेलेबिलिटी पे आना चाह रहे हैं, यानी कि री डिस्प्ले, हमें यही अवेलेबिलिटी दोबारा दिखाओ, री डिस्प्ले 1 डिस्प्ले ओरिजिनल अवेलेबिलिटी ओ ए से मिलाते हैं, ठीक है। हम दोबारा अपनी वही अवेलेबिलिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। और एक कमांड हो रहा है 1 डिस्प्ले आर, यानी कि री डिस्प्ले कर दो, यही जो अवेलेबिलिटी आपने अभी शो हुई है ना, इसको ही री डिस्प्ले करके हमें दिखा दो, ठीक है, यानी कि यही अवेलेबिलिटी रिफ्रेश करके हमें फिर दिखा दो, ठीक है। इस तरह आपने ये सीखा है, सबसे पहले हमने अवेलेबिलिटी ली है, उसमें कैरियर चेंज किया है, ठीक है। क्लाइंट कंटेंट नहीं, मैंने एमएक्स पे ही जाना है, तो हमने फिर ये 1 डिस्प्ले ओ ए कर दिया, ओरिजिनल अवेलेबिलिटी ले आए, ठीक है। 1 डिस्प्ले आर से मिलाद है री डिस्प्ले कर दो, 1 डिस्प्ले ओ ए से मिलाद है ओरिजिनल अवेलेबिलिटी पे ले आओ, ठीक है, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। फर्स्ट करें मैं इसका करता हूँ, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें हम वही अवेलेबिलिटी ले लेते हैं 25 अंदर वाली, इसमें हम डिपार्ट 1 लाहौर से है ना, तो हम इसका डिपार्चर सिटी चेंज करते हैं 1 सियालकोट, सियालकोट चेंज, वो कहते हैं स्टे पे नहीं जा रही सियालकोट में, 25 को नहीं जा रही, 26 को नहीं, ये अराइवल सिटी है लाहौर से दुबई, ये अराइवल सिटी है, सॉरी। हम 1 चेंज की डिस्प्ले SKT सियालकोट से, ठीक है, ये डिपार्चर सिटी है, सियालकोट से दुबई नहीं जा रही, हम फिर चेक करते हैं क्या वजह नहीं जा रही, दोबारा हम लेते हैं अवेलेबिलिटी, कोई गलती होगी होगी हमसे। 1 डिस्प्ले डिपार्चर सिटी सियालकोट, डी से डिपार्चर सिटी है, अगर हम ये देखें आ गई सियालकोट से मस्कर, मस्कर से दुबई ई के, हम कहते हैं डायरेक्ट वाली दिखाओ, ठीक है, ये डायरेक्ट वाली आ गई है। हम चाहते हैं कि हम दोबारा अपनी वही अवेलेबिलिटी पे आ जाएं दोबारा, जो कि हमारी ये ओरिजिनल अवेलेबिलिटी है, ठीक है। हमने सिटी भी चेंज की है और हम फ्लैट भी चेंज कर लेते हैं, 1 चेंज की पी के, ठीक है, हमने फ्लैट भी चेंज की है, उसमें डायरेक्ट नहीं जा रही, सर कुछ दुबई जा रही है, ठीक है, हमने इतनी वर्किंग की है, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं नहीं, हमें वही लाहौर से दुबई जाना है, ठीक है, तो उसके लिए 1 डिस्प्ले ओ ओरिजिनल अवेलेबिलिटी हम आए दोबारा वहाँ पे ले आओ, ठीक है, इसे मिला दिए, तो हम देखें वो फिर दोबारा ओरिजिनल अवेलेबिलिटी पे आ गए अपनी, ठीक है, जो कि हमारी लास्ट टाइम ली थी अवेलेबिलिटी, ये देखें ये ओरिजिनल अवेलेबिलिटी है हमारी सियालकोट से दुबई। हम कहते हैं 1 डिस्प्ले आर, इसको ही हमें रिवर्स करके यानी कि री डिस्प्ले कर दो, ये अवेलेबिलिटी रिफ्रेश करके फिर हमें दिखा दो, तो हम फिर दोबारा इधर, यहाँ ये हमारी ओरिजिनल अवेलेबिलिटी है, ठीक है, 1 डिस्प्ले ओ ए, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल अवेलेबिलिटी हम पे हम आ गए हैं। कहते हम इधर से चेंज करते हैं 1 30 अगस्त लो से दुबई,
बल्कि ऐसे क्या करेंगे, बल्कि इधर से हम चल कर लेते हैं हमारे तो बाचल सिटी दुबई वन, जिस पर बाचल सिटी हमारा लाहौर कर दो। ठीक है, ये लाहौर से कर दिया इसने, लेकिन हम क्या करें, वन डिस्प्ले ओ ए के हमारे हमारी रीजनल अवेलेबिलिटी पे ले जाओ। ठीक है, ये हमारी रीजनल अवेलेबिलिटी है, वन डिस्प्ले आर करने से हमें इसको रिफ्रेश करके देख लेंगे। ठीक है भाई, आपने ये सीखा। इसके बाद हम अवेलेबिलिटी लेंगे टाइमिंग के लिहाज से, 1/25 अगस्त लाहौर से दुबई, जिसमें डिपार्चर टाइमिंग हमारा कम से कम 9 AM कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी वो अवेलेबिलिटी शो करो जिसमें कम से कम 9 बजे फ्लाइट जा रही हो, 9 AM कर लें, या इसका एक दूसरा भी मेथड है, नाइन दूसरा मेथड है इसका 0900, यानी कि डिपार्चर टाइमिंग 9 बजे। ऐसे भी आप इसकी अवेलेबिलिटी ले सकते हैं, सेम फ्लाइट्स आएंगी वही हैं। ठीक है, कम से कम 9 बजे जा रही हो फ्लाइट, ठीक है, हमारी वो शो कर दो जो 9 बजे जा रही हो फ्लाइट्स। ठीक है, ये डिपार्चर है, या एक ये डिपार्चर टाइमिंग था, अगर अराइवल टाइमिंग हो तो हम किस तरह लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्लैश डाल के 9:11 कर लेते हैं, 11 AM कर लेंगे, स्लैश डालने से ये होगा कि हमारी अवेलेबिलिटी शो होगी अराइवल टाइम, यानी कि दुबई के टाइमिंग के मुताबिक हमारा, यानी कि हमने अपने डेस्टिनेशन पे जो पहुँचना है ना, हमने वो 11 o'clock यानी 11 बजे तक पहुँचना है हमने, वो वाली अवेलेबिलिटी दिखा दो। ठीक है, ये दिखा रहा है कि ई के भी जा रही है, पी के भी जा रही है, ये भी ये टाइमिंग है, ये फर्स्ट टाइमिंग दिखा रहा है, बाकी भी टाइमिंग दिखा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा हटके होंगी, यानी कि मिलती जुलती होंगी। ठीक है, इस समय आप अवेलेबिलिटी ले सकते हैं 11 AM करने से, ज़्यादा आपने अराइवल वहाँ पे कितने बजे पहुँचना, स्लैश जब डालेंगे तो इसमें हमारा ये सिटी शो करेगा, ये डिपार्चर सिटी है, ये अराइवल सिटी है। ठीक है, अगर स्लैश डाल के लेंगे, अगर हम स्लैश ना डालेंगे तो हमारा सिर्फ डिपार्चर सिटी का जो वो टाइमिंग शो करेगा। इसको 11:00 कर लेते हैं, फिर भी हमारा ये शो कर देगा, अवेलेबिलिटी वही है, बस हमारा टाइमिंग के मुताबिक अवेलेबिलिटी के साथ लेते हैं, ये हमने आज सीखा है। डायरेक्ट फ्लाइट भी आपने सीख लिया था। उसके बाद मेरे पास एक कि क्लास के लिहाज से फर्स्ट करें, हमने ये अवेलेबिलिटी ली है नेम की, हमें लाहौर से दुबई जाना है लेकिन क्लास हमारी यूनियन हो। ठीक है, क्लास के लिहाज से ये लाहौर से दुबई की अवेलेबिलिटी पी आई जा रही है, इसमें यूनियन क्लास में कोई सीट नहीं है, दुबई में है। ठीक है, क्लास के लिहाज से क्लास ही शो कर देगा, टाइमिंग शो कर देगा, ठीक है, कनेक्शन शो कर देगा, फ्लाइट के नंबर शो कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्लासेस के लिहाज से अवेलेबिलिटी लेना, ये भी सीख लिया आपने, डायरेक्ट अवेलेबिलिटी सीख लिया कि जो डायरेक्ट फ्लाइट जा रही हो वो किस तरह चेक करेंगे, उसके लिए हम स्लैश डी डाल देंगे तो हमारी तरह डायरेक्ट अवेलेबिलिटी शो कर देगा। ओके गाइस, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान आपको। एक और मैं सिखाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि चेंज की के साथ अवेलेबिलिटी किस तरह लेते हैं। फर्ज कर हम अवेलेबिलिटी 1/25 अगस्त लाहौर से JFK चेंज की क्या हुआ, कतर एयरलाइन। ठीक है, लाहौर से दोहा, दोहा से JFK जा रही है, इसके लिहाज से हम किस तरह चेक करेंगे, दोबारा फिर मैं बताने जा रहा हूँ, वन चेंज की क्लास होल्ड एन वन, यानी कि नेक्स्ट डे जाने के लिए इसका क्या मेथड है,
वो इस तरह चेक करेंगे। अगर हम क्लास होल्ड लाइन से अवेलेबिलिटी लें, यानी कि इससे सिर्फ अवेलेबिलिटी लें, तो हम वन क्लास होल्ड लाइन वन से हम नेक्स्ट जाते हैं, जबकि हम चेंज की से जब अवेलेबिलिटी लेते हैं तो उसके लिए ये मेथड है। और इसी तरह वन क्लास होल्ड लाइन माइनस वन से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। ये 25, ठीक है, इसी में हम वन चेंज की, जब चेंज की से अवेलेबिलिटी ली हो तो बस, यानी कि जाना 25 को है तो वापसी हमने 10 सितंबर की कर लेंगे, ठीक है। जी आपके दोहा दो हासिल हो तो इसमें चेंज की कर लेंगे, जबकि हमने जब क्लास होल्ड लाइन से अवेलेबिलिटी ली थी तो वहाँ ये चेंज की ना थे, हम वन आर लिख देते थे, ठीक है। इस समय हम वन डिस्प्ले आर से हमारी यही अवेलेबिलिटी फ्रेश करके दिखा देगा। ये पता क्या हुआ, हमने वहाँ इग्नोर नहीं किया, ऊपर वन डिस्प्ले आर से किया तो हमारी अवेलेबिलिटी भी डिस्प्ले होके हमारे सामने आ गई है, जो प्रीवियस अवेलेबिलिटी सबसे पहले ली थी ना हमने, वो 25 अगस्त लाहौर से दुबई जिनमें हमने डायरेक्ट किया था, वो हमारे सामने होके आ गई है, ये ऊपर ये वाली अवेलेबिलिटी, ठीक है गाइस। इस तरह आपने क्लास वाले लाइन से भी अवेलेबिलिटी लेना सीखा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहा। ये हाँ से हमारा अवेलेबिलिटी का लेक्चर ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट हमारा शेड्यूल का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे एयरलाइंस का शेड्यूल, यानी कि कौन सी एयरलाइन किस डे पे जा रही है, ठीक है, और कौन सी एयरलाइंस आपको सूट करती है, उसका लेक्चर मैं तैयार करके आपको सिखाऊंगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहा।